एक्सरसाइज 54 का क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग के पास, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, ऐड 55 मीटर 78 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 23 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड करने के लिए कह रहा है। उसके बाद एक्सप्रेस द सम इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर, और जो आंसर आएगा उसको मीटर और सेंटीमीटर में लिख के दिखाना है। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पे मैंने मीटर में दोनों को दे दिया है, और बाद में इसको पॉइंट के इधर वाला जो मीटर में आ जाएगा और इसके इधर वाला जो है सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं इस तरह से लिख के, और यहाँ पे 83 हो गया, 11 तो 1 हो गया, 1 बच गया, 72 9 और 1 10 हो गया, तो यहाँ 0 हो गया। अब फिर से 1 बचा हुआ है, 5 टू 7 और 1 8 हो गया, और अब हाथ में कुछ भी नहीं है, 5 और 1 6, मतलब 68.01। तो इसको हम लिख सकते हैं 68 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 12 नंबर का। एक्सरसाइज 54 का क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग के पास, और यहाँ पे क्या कह रहा है, एड 39 किलोमीटर 575 मीटर एंड 40 किलोमीटर 80 मीटर, इन दोनों को ऐड करना है। एक्सप्रेस द सम इन किलोमीटर एंड मीटर, और उसका जो आंसर आएगा उसको किलोमीटर और मीटर में दिखाना है। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे इस तरह से लिखना है और फिर ऐड करना है, 505 हो गया, 715 5 1 बच गया है, 5 और 1 हाथ वाला 6 हो गया, पॉइंट लगा दिया, यहाँ 9 हो गया और 437 हो गया। तो इतना किलोमीटर आ रहा है, तो ये पॉइंट के पहले हम किलोमीटर देंगे और पॉइंट के बाद मीटर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग देंगे 79 किलोमीटर एंड ये 655 मीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 54 का क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोग के पास, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं, अनु अबाउट 3.25 मीटर क्लॉथ फॉर हर ड्रेस, अनु अपने ड्रेस के लिए इतना मीटर क्लॉथ खरीदती है, एंड इतना मीटर क्लॉथ फॉर हर ब्रदर सूट, और अपने भाई के सूट के लिए इतना मीटर क्लॉथ कपड़ा खरीदती है, हाउ मच क्लॉथ डिड सी बाय, तो फिर वो टोटल कपड़ा कितना खरीदती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें ऐड करना होगा हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, अनु अबाउट क्लॉथ फॉर हर, मतलब अपने लिए वो इतना मीटर कपड़े खरीदती है, उसके बाद अपने भाई के लिए, अनु अबाउट क्लॉथ क्लॉथ फॉर हर ब्रदर, ठीक है, अपने भाई के लिए, हर ब्रदर इक्वल टू कितना खरीदती है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2.96 इक्वल टू 2.96 मीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 3.25 और 2.96 ये हो गया, तो यहाँ पे 65 11 हो जाएगा, 1 बच गया, 9 2 11 और 1 12 हो गया, फिर 1 बच गया, तो 3 और 2 5 और हाथ वाला 6 हो गया, तो इतना मीटर में दिया हुआ है, तो इतना मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे मीटर लिख देते हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग।